अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्पावर एकेडमी एंड यू आर वाचिंग इजी ट्यूटोरियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ईकेट 2018 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 2018 में मैथ के पोर्शन में जो पहला एमसीक्यू बना था वो ये है, टू लार्ज पंप एंड वन स्मॉल पंप टेक 4 आवर्स टू फिल अ वाटर टैंक। मतलब कि दो लार्ज पंप है और एक स्मॉल पंप है, ये दोनों मिलके एक वाटर टैंक को, ये वाटर टैंक है, ये पंप मिलके इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करते हैं। इसको पैनल वन कह देते हैं। ये पैनल वन है जिसके अंदर दो लार्ज और एक स्मॉल पंप है। सेकंड कह रहा है, वन लार्ज एंड थ्री स्मॉल पंप आल्सो टेक 4 आवर्स टू फिल अ वाटर टैंक। मीन के वन लार्ज और थ्री स्मॉल पंप मिलके ये भी इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करेंगे। इसको पैनल टू कह लेते हैं। टू लार्ज और वन स्मॉल पंप मिलके भी इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करेंगे और वन लार्ज थ्री स्मॉल पंप मिलके भी इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करेंगे। बोला क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल टू लार्ज एंड टू स्मॉल पंप टेक टू फिल अ टैंक। मीन कि अगर हमारे पास दो लार्ज पंप हो और दो स्मॉल पंप हो तो ये कितना टाइम लेंगे इस वाटर टैंक को फिल करने के लिए। अब इन दोनों का टाइम बताया है इसमें 4 घंटे। ये इंफॉर्मेशन यूज करके हम इजीली बता सकते हैं कि ये टू लार्ज और टू स्मॉल पंप मिलके इस वाटर टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। इसको पैनल थ्री कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम इसे, ये लार्ज और स्मॉल पंप है, अगर हम इसे एक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दें, जैसा कि टू लार्ज है इसको हम स्मॉल में लिख दें और इसको भी टोटल स्मॉल में ले हैं और इसको भी स्मॉल में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास कुछ टाइम का रिलेशन बन जाएगा कि टाइम क्या है वन स्मॉल पंप के अकॉर्डिंग। जैसा कि यहाँ पे टू लार्ज पंप है तो पैनल वन और पैनल टू एक्चुअल में सेम काम दे रहे हैं। ये जो पैनल है और ये पैनल है इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल कर रहा है, तो बेसिकली ये पैनल और ये पैनल एक दूसरे के इक्वल होगा। पैनल वन को ब्रेक करते हैं पहले। पैनल वन में क्या है, दो लार्ज है, उन दो लार्ज को मिश्रण लिख सकते हैं, वन लार्ज एंड वन स्मॉल। और पैनल टू में है वन लार्ज थ्री स्मॉल है, तो थ्री स्मॉल को ब्रेक करेंगे, ये बनेगा वन स्मॉल, वन स्मॉल, वन स्मॉल पंप। ये वन लार्ज पंप इस वन लार्ज पंप के इक्वल आ जाएगा और ये वन स्मॉल पंप इस वन स्मॉल पंप के इक्वल आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये दोनों पैनल एक दूसरे के सेम है, तो इसका मतलब कि ये जो वन लार्ज पंप है, अगर दो स्मॉल पंप मिल जाए तो वो एक लार्ज पंप जितना काम देंगे। मीन के वन लार्ज इक्वल होगा स्मॉल प्लस स्मॉल, दो स्मॉल पंप मिलके एक लार्ज पंप जितना काम दे सकते हैं, तो वन लार्ज पंप इक्वल होगा टू स्मॉल पंप के। ये वन लार्ज ये दो स्मॉल पंप के अकॉर्डिंग जितना काम दे रहा है। यहां से हमारे पास इक्वल आ गया, अगर एक लार्ज पंप दो स्मॉल पंप के इक्वल है, तो अब यहाँ पे लार्ज पंप को भी स्मॉल पंप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि ये टू लार्ज है तो टू लार्ज के लिए हम वन लार्ज टू के बराबर है, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्मॉल, फोर स्मॉल पंप। मीन के टू लार्ज होंगे वो फोर स्मॉल पंप जितना काम देंगे। तो इस टू लार्ज को जब हमने स्मॉल में कन्वर्ट किया वो बनता था फोर, तो यहाँ पे टू लार्ज इक्वल आ गया फोर स्मॉल के, तो एक्चुअल में ये बन गए फाइव स्मॉल पंप। अब पैनल टू में भी इसको भी स्मॉल पंप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे वन लार्ज है तो वन लार्ज इक्वल है टू स्मॉल पंप के, तो इस वन लार्ज को हम लिख लेंगे टू स्मॉल, ये भी बन गया फाइव स्मॉल पंप। यहां से रिजल्ट क्या निकला है हमारे पास, फाइव स्मॉल पंप मिलके इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करते हैं। यहां पे पांच स्मॉल पंप थे, यहां पे पांच स्मॉल पंप एक्चुअल में लगे हुए हैं जो कि इस वाटर टैंक को 4 घंटों में फिल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पैनल थ्री में हमारे पास टू स्मॉल है, टू लार्ज है, तो टू लार्ज को जब हम स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा टू लार्ज है, तो हमें इसे स्मॉल में कन्वर्ट करना है, स्मॉल में ये बनेगा
वन लार्ज टू स्मॉल पंप के इक्वल है, तो टू लार्ज के लिए हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फोर स्मॉल पंप। मीन के दो लार्ज पंप के अगर हमारे पास फोर स्मॉल पंप हो वो दो लार्ज पंप जितना काम देंगे, तो यहां से ये फोर स्मॉल और टू स्मॉल ये कितना बन गया टोटल सिक्स स्मॉल पंप। मीन के ये जो पैनल है ये सिक्स स्मॉल पंप जितना काम दे रहा है। अब स्टूडेंट्स यह बात गौर करने वाली है कि पैनल वन और पैनल टू में टोटल फाइव स्मॉल पंप थे लेकिन पैनल थ्री में टोटल सिक्स स्मॉल पंप है, मतलब कि एक पंप की एडिशन हुई है, तो टाइम चार घंटों से कम लगेगा। आपके घर में अगर एक पंप लगा है और वो टैंकी को दो घंटों में फिल करता है वाटर टैंक को, लेकिन अगर आप एक और पंप लगा लेते हैं तो सारी बात है कि आप काम जल्दी हो जाएगा, दो घंटे नहीं लगेंगे, दो घंटों से टाइम कम हो जाएगा। यहाँ पे ये सिक्स स्मॉल है, मीन के फाइव स्मॉल पहले था उसमें वन की एडिशन हुई है तो टाइम कम होगा, तो कितना कम होगा वो देखना है। ये बी ऑप्शन है कि फोर आवर्स नहीं बनता क्योंकि पांच पंप के साथ चार घंटे लगते थे तो छह पंप के साथ टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। आगे डी ऑप्शन है मोर देन फोर आवर्स, मोर देन फोर आवर्स भी नहीं होगा क्योंकि टाइम हमारे पास फोर आवर्स से कम आएगा। अब कंफ्यूजन है हमें ए और सी ऑप्शन में, ए में भी फोर से कम टाइम है और सी में है बिटवीन थ्री एंड फोर आवर्स, तो इन दोनों को हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स एक बात गौर करने वाली है कि फोर टू आवर्स टाइम कब होगा, अगर पांच स्मॉल पंप है ये ले रहे हैं चार घंटे, अब यहां पे है दो घंटे है, तो मीन के हमें इतनी ही अमाउंट क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी पंप की। अगर हम 10 स्मॉल पंप करें तो यहां से टाइम दो घंटे रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या है बेसिकली पांच में से सिर्फ एक स्मॉल पंप की एडिशन हुई है ना कि 10 की। अगर तो 10 स्मॉल पंप की इसमें एडिशन होती टोटल 10 स्मॉल पंप ही बनते तो हम कह सकते थे कि ये टू आवर्स वाला ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक स्मॉल पंप की एडिशन हुई है तो जो टाइम होगा वो टू आवर्स भी नहीं बनेगा क्योंकि टू आवर्स के लिए हमारे पास 10 स्मॉल पंप होने चाहिए, यहाँ पे है सिक्स स्मॉल पंप, तो जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इसका बिटवीन थ्री एंड फोर आवर्स, जो टाइम कम होगा वो इस इंटरवल के इन बिटवीन रहेगा, बाकी जो तीन है वो इनकोरेक्ट होंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर टू है अ सर्कल विद रेडियस 3.5 एंड सेंटर -3 -4 विल लाई इन द रीजन, तो हमें बता दें इसमें से कौन सा रीजन करेक्ट है। उन्होंने हमें रेडियस और सेंटर दिया है, इसकी मदद से हम सेंटर इजीली ड्रा कर सकते हैं। एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है, इट्स मीन के जो सर्कल का सेंटर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला बनता है, यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। -3 मीन के हम अलोंग 3 यूनिट अलोंग -x एक्सिस मूव करेंगे और 4 यूनिट अलोंग -y एक्सिस मूव करेंगे, तो हमारे पास ये सेंटर आ गया -3 -4 और रेडियस है 3.5। अगर हम इसकी बाउंड्री लाइन को कुछ ऐसे ड्रा करें तो यहाँ पे रेडियस 3.5 बनेगा, हम अलोंग y एक्सिस मूव कर रहे हैं तो -3 x एक्सिस तो सेम रहेगा लेकिन जो y एक्सिस वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो बनेगा -0.5 क्योंकि ये टोटल लेंथ बनती है 4, तो 4 में से हम 0.5 को यहाँ से खत्म करेंगे तो ये बाउंड्री इतनी 3.5 की इक्वल आएगी, तो ये पॉइंट बनेगा -0.5। इसी तरह जब हम लॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो y तो हमारा सेम रहेगा -4, लेकिन लॉन्ग एक्स एक्सिस जब 3.5 की एडिशन करेंगे तो ये -3 है, इसमें जब -3.5 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा -6.5। इस तरह ये वाला पॉइंट है जिसमें हम लॉन्ग y एक्सिस मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस -3 रहेगा ये पॉइंट है और y एक्सिस है -4, तो यहाँ पे जब रेडियस 3.5 ऐड करेंगे हम तो ये लॉन्ग -y एक्सिस है तो -3.5 ऐड होगा तो ये बनेगा -7.5। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसमें हम लॉन्ग x एक्सिस ये रेडियस 3.5 है, इसमें लॉन्ग x एक्सिस इस तरफ आएंगे तो 3 तक तो डिस्टेंस यहाँ तक बनता है और इसमें जब 0.5 ऐड होगा तो ये वाला पॉइंट इसमें x एक्सिस बनेगा 0.5। तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट आ गया इसकी सर्कमफेरेंस की बाउंड्री के सर्कल का सर्कमफेरेंस। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा रीजन वैलिड है। पहले में x इज लेस देन 0 y इज लेस देन 0, स्टूडेंट जो y इज लेस देन 0 ये कंडीशन तो वैलिड है क्योंकि जो ये सर्कल है ये आ रहा है थर्ड में थर्ड क्वाड्रेंट में और इसका कुछ हिस्सा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ पे y इसका हर जो पॉइंट है वो y का वो लेस देन होगा जीरो से, ये तो करेक्ट है। लेकिन जो इन्होंने बात की है x इज लेस देन जीरो, तो मीन ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसका कुछ हिस्सा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे x होता है ग्रेटर देन जीरो के, तो ये है इनकोरेक्ट, तो ये ऑप्शन हो गया इनकोरेक्ट। सेकंड में है x इज लेस देन जीरो, जाहिर बात इसकी वजह से ये ऑप्शन एक इनकोरेक्ट हुआ है, तो x इज लेस देन जीरो भी नॉट वैलिड है, क्योंकि x यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, ये सर्कल जो है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, x इज लेस देन y। चूंकि अगर सर्कल का हम ये वाला पॉइंट देखें, इसमें x है माइनस थ्री और y है माइनस 7.5, मीन के जो x है वो y से ग्रेटर है, और यहाँ पर इन्होंने बोला है x इज लेस देन y, तो ये होगा इनकोरेक्ट। डेल्टा में है y इज लेस देन जीरो, तो स्टूडेंट्स ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये थर्ड और फोर्थ में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ जो हर पॉइंट होगा वहाँ पे y यहाँ भी लेस देन जीरो होगा और यहाँ भी y लेस देन जीरो होगा, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 3 में है ए 6 1/4 इज इक्वल टू, ये एक मिक्स नंबर है, इसमें 6 एक इंटीजर है और 1/4 एक फ्रैक्शन है, ऐसे नंबर को कहते हैं मिक्स्ड नंबर। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, आप इस इंटीजर को इस फ्रैक्शन में ऐड कर दें, या सिंपल आप इस तरह करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा उसको 1 में ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 के जब 1 में ऐड करेंगे ये 25, इसको इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, या आप इसको इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा हमारे पास 24 + 1, ये भी 25/4 ही आएगा, तो हम बता सकते हैं कि ये इक्वल आएगा 25/4 के, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 4 है, अ कार यूज 10 लीटर ऑफ फ्यूल टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, मीन के 10 लीटर अगर उसे दिया जाए फ्यूल कार को तो वो 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। इफ इट्स एफिशिएंसी इज 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन मोटर वे रोड एंड 10 किलोमीटर पर लीटर ऑन सिटी रोड, हाउ मच फ्यूल इट इज यूज ऑन मोटर वे, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने बोला कि एक हमारे पास कार है, अगर हम उसे 1 लीटर फ्यूल प्रोवाइड करें तो सिटी रोड पे वो डिस्टेंस कवर करेगी 10 किलोमीटर, लेकिन मोटर पे रोड पे वो डिस्टेंस कवर करेगी 20 किलोमीटर, क्योंकि जो सिटी रोड होते हैं वो ज़रा रफ होते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस कम कवर होगा, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा, तो ये थी इसकी एफिशिएंसी। हमें बताना क्या है कि हाउ मच फ्यूल डिड इट यूज ऑन मोटर वे, तो ये जो फ्यूल की क्वांटिटी दी है ये हमें क्वांटिटी दी है मोटर वे पे उसने कितना फ्यूल खर्च किया है, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन बनता है। टोटल हमारे पास 10 लीटर थे और 160 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करना था, हमें ये जरूरी उसने बोला कि कितने डिस्टेंस उसने मोटर वे पे कवर किया है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम प्रोपोर्शन की मदद से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब क्वांटिटी हम देख रहे थे क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन मोटर वे रोड जो कि गिवन है, और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन सिटी रोड। अब स्टूडेंट्स टोटल क्वांटिटी हमें दी है 10 लीटर, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 10 लीटर क्वांटिटी दी है, 10 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 160 किलोमीटर। अब पहले ऑप्शन में क्या है कि जो फ्यूल क्वांटिटी ऑन मोटर वे है वो है 3 लीटर, मीन कि यहाँ पे आ गया 3 लीटर, तो बाकी फ्यूल कितना बच गया, टोटल था 10 लीटर, तो यहाँ पे आ गया 7 लीटर, 7 लीटर,
अब 3 मीटर है तो यहाँ से हम डिस्टेंस बता सकते हैं कि मोटर वे के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि 1 लीटर में मोटर वे रोड पे वो 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो जो 3 लीटर है इसमें वो कितना करेगी, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 3 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, और 7 लीटर में सिटी रोड पे वो कितना ट्रैवल करेगी, 1 लीटर में वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करती है गाड़ी, तो 7 किलोमीटर में 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 70 किलोमीटर। अब इन दोनों डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे 70 + 60 ये बनेगा डिस्टेंस 130 किलोमीटर, लेकिन हमने जो डिस्टेंस कवर करना था 10 लीटर में वो करना था 160 किलोमीटर, तो जो ऑप्शन ए है वो हो गया इनकरेक्ट। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड में है फ्यूल क्वांटिटी और मोटर पे खर्च की है वो है 4 लीटर, तो टोटल था 10, तो यहां पे जो सिटी फ्यूल सिटी रोड पे से फ्यूल खर्च किया वो हो गया 6 लीटर। अब हमने देखना है इस फ्यूल की मास से डिस्टेंस को, तो ऑन मोटर पे रोड 1 लीटर 20 किलोमीटर कवर करती थी, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा हमारे पास 80 किलोमीटर। इस तरह यहां पे 10 किलोमीटर 1 लीटर में कवर करती थी, तो 6 लीटर में वो कवर करेगी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, तो 80 + 60 कितना हो गया, ये बनता है हमारे पास 140 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर करना है 160 किलोमीटर, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है 5 लीटर, मीन के सिटी फ्यूल, ये हमें सिटी फ्यूल की क्वांटिटी दी है 5 लीटर, तो टोटल 10 है तो यहां पे कितना आ गया 5 लीटर। अब हमने देखा इनका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ऑन मोटर के ऊपर 5 लीटर फ्यूल में वो डिस्टेंस कवर करेगी 5 × 20 ये बनेगा 100, और यहाँ पे कितना होगा 5 × 10 = 50, जब हम इनको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस बनेगा 150 किलोमीटर, तो स्टूडेंट्स ये भी 160 किलोमीटर डिस्टेंस इससे भी निकल हो रहा कवर, सी भी इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड में जो फ्यूल की क्वांटिटी 6 दी है वो पुट करके देखते हैं, फ्यूल क्वांटिटी और मोटर पे रोड 6 लीटर है तो बाकी कितना बचेगा 4 लीटर, क्योंकि टोटल 10 है। अब 6 लीटर के अकॉर्डिंग वो मोटर वे पे कितना ट्रेवल करेगी, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से, तो ये बनेगा डिस्टेंस 120, और यहाँ पे है 4 लीटर, तो 4 में मतलब सिटी रोड पे 1 लीटर में 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 40, 120 + 40 = 160 किलोमीटर, मीन के इस प्रोपोर्शन की मदद से अगर हम 6 लीटर हम खर्च करें फ्यूल मोटर पे रोड पे और 4 लीटर खर्च करेंगे सिटी रोड पे, देन हम 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हेन x की पावर 5 + 2 2x³ + ax + b इज डिवाइडेड बाय x - 1 द रिमाइंडर इज 2 एंड देन डिवाइडेड बाय x द रिमाइंडर इज -3 द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। सबसे पहले हम इसको x - 1 है यहाँ से पहला रूट आ जाएगा और हम इसकी असेंशियलिटी की मदद से इसको सॉल्व करेंगे, x - 1 = 0 x = 1 तो इस इक्वेशन का पहला रूट है, तो ये आएगा x की पावर 5 है तो कोफिशिएंट है 1, x की पावर 4 नहीं है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, x की पावर 3 का कोफिशिएंट है 2, देन x का कोफिशिएंट है a और देन कांस्टेंट b आ गया, रूट गिवन है 1 पे, इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं, पहले 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 आ गया, 0 1 को ऐड करेंगे यहाँ पे फिर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, और 2 + 1 = 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3, और a को 3 में ऐड करेंगे ये इक्वल आएगा a + 3 के, देन 1 को 3 + a से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वल आएगा 3 + a के, और यहाँ से जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 + a + b जो कि किसके इक्वल है, रिमाइंडर इज 2, तो ये आ गया इक्वल 2 के, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 3a + b = 3, उस साइड पे जाके हो जाएगा -2 - 3 - 1, ये हमारे पास आ गया पहली इक्वेशन।
हमें दो इक्वेशन चाहिए इस ए और बी का अननोन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब सेकंड में क्या है, जब इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स करेंगे द रिमाइंडर इज माइनस थ्री। इसको स्टूडेंट समझाने के लिए कि मतलब सॉल्व करना ज़रा मुश्किल होगा क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ये हम इसको सिंपल डिवीजन करेंगे। ये आएगा एक्स की पावर फाइव प्लस टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी। सिंपल डिवीजन ऐसे करके इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे, उसको हम इसके इक्वल रखेंगे माइनस थ्री के। तो ये आएगा एक्स, एक्स को डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा एक्स की पावर फोर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल आएगा एक्स की पावर फाइव प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। देन सेकेंड टाइम आएगी टू एक्स क्यूब, इसके लिए क्या करेंगे इस एक्स को टू एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू एक्स क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट हम बता देंगे इसके साथ हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो बी के इक्वल होगा, और जो गिवन रिमाइंडर है वो दिया है माइनस थ्री, मीन जो बी की वैल्यू है वो है माइनस थ्री। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है माइनस थ्री, इस माइनस थ्री को हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री, ये आ जाएगा टू। तो ए और बी की वैल्यू आई है हमारे पास टू एंड माइनस थ्री, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर सिक्स है द कर्व्स गिवन बाय, ये दो इक्वेशन दी है सर्कल की इक्वेशन है, इनकी कर्व्स कौन सी है वो इंटरसेक्ट कर रही है कुछ इस तरह, हमने ये पॉइंट बताना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। उसके लिए हमें सर्कल को ड्रा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। सर्कल को ड्रा करने के लिए हमें सेंटर भी मालूम होना चाहिए और रेडियस भी मालूम होना चाहिए, तो वो देखते हैं दोनों का सर्कल इन दोनों इक्वेशन का सेंटर और रेडियस क्या बनता है। जनरल इक्वेशन सर्कल होती है एक्स प्लस जी स्केयर वाई प्लस एफ स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, इसमें जो सेंटर है वो बन जाएगा माइनस जी माइनस एफ सेंटर होगा और रेडियस होगा इस आर के इक्वल। इस इक्वेशन में जी जी की वैल्यू आ रही है माइनस टू और एफ की वैल्यू आ रही है माइनस टू, सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर बनेगा हमारा इस इक्वेशन का टू टू और रेडियस बनेगा रेडियस होगा टू, ये हमारे पास आ गया इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस। सेकेंड इक्वेशन में एफ और जी जीरो है तो इसका जो सेंटर बनता है वो होगा जीरो जीरो इस इक्वेशन का, और इसका रेडियस क्या बनेगा अगर ये माइनस फोर को हम दूसरी साइड पे लेते हैं और इसको कुछ इस तरह लिखें तो इसका रेडियस क्या बनेगा टू। अब हमें दोनों इक्वेशन के सेंटर और रेडियस पता चल गई है, सर्कल को ड्रा करते हैं। पहले का सेंटर है टू टू, मीन का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा एक्स और वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, टू यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे टू यूनिट अलोंग वाई एक्सिस मूव करेंगे तो हमारा जो सेंटर बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा टू टू, और इसका रेडियस है टू, मीन के यहां तक इसकी जो लेंथ होगी रेडियस होगा वो टू होगा और यहां भी टू होगा, तो ये सर्कल कुछ यू बनेगा कि इन पॉइंट्स को टच करके जाएगा। अब सेकंड में क्या है कि जो हमारा सेंटर है वो जीरो जीरो पे है, ये ओरिजिन पे है, यहां पे जीरो जीरो एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, लेकिन जो रेडियस यहां पे वो बनता है टू, मीन के वो इस पॉइंट को टच करेगा और यहां से इस पॉइंट को टच करेगा, ये रेडियस यहाँ भी टू के इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, यहाँ जो सर्कल बनेगा वो कुछ यू बनेगा। तो सुनिए ये दोनों सर्कल एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे एक्स होगा वो जीरो होगा, ये पॉइंट बनेगा जीरो टू और ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे वाई जीरो होगा तो ये बनेगा टू जीरो। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, इसमें टू जीरो एंड जीरो टू वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों सर्कल या दोनों कर्व्स जो होती है इनकी वो इंटरसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर सेवन है देयर आर 11 बॉल्स नंबर्ड 1 टू 11 इन अ बॉक्स, मीन के ये 11 बॉल्स हैं जिनको नंबर दिए गए हैं 1 टू 11।
ये 11 पौधे जिनको 1 टू 11 नंबर दिए गए हैं, ये एक बॉक्स के अंदर बंद है। अब बॉल इज रैंडमली ड्रॉन, इसमें से कोई भी बॉल रैंडमली पिक की और बाइंड कर ली एंड देन पुट बैक इनटू बॉक्स, उस बॉल को वापस रख दिया तो 11 की 11 बॉल अंदर रह गई। द सेकंड बॉल इज रैंडमली ड्रॉन, फिर इसमें से सेकंड बॉल को पिक किया और वो बाइंड कर ली। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल ड्रॉन आर इवन नंबर्ड, तो स्टूडेंट्स पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर इवन नंबर्ड बॉल कौन कौन सी है। ये बनती है 10, 8, 6, 2 एंड 4, मेरे के टोटल 5 बॉल है जिनके ऊपर इवन नंबर है। इवन नंबर बॉल है 5 और टोटल बॉल है 11, तो उन्होंने बोला था प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर इवन नंबर्ड। जब हमने पहली बॉल निकाली इसमें से तो प्रोबेबिलिटी बनती थी वो इवन बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो वो बनती थी 5/11। देन उन्होंने बोथ बॉल की बात किया, जो सेकंड बॉल है वो भी जब हम पिक करेंगे वो भी क्या होगी इवन बॉल, मीन के 5 और टोटल बॉल 11 ही रहेगी, क्योंकि जब हमने इस बॉल को बाहर निकाला था और देन फिर इसके अंदर ही पुट कर दिया था तो ये 11 बॉल 11 की 11 ही रहेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी बन गई 11/5/11। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 11 को 11 से 121, ये प्रोबेबिलिटी बनती है 5/121। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 8 में हमें क्या बताया है, टू लाइंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, लाइन ए हैज अ स्लोप ऑफ 5 व्हाइल लाइन बी पासिस थ्रू द पॉइंट 51-5y, द वैल्यू ऑफ y इज, हमने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन कि ये एक लाइन है ए और ये लाइन है बी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर लाइन ए की स्लोप है वो गिवन है हमें 5, मीन इसको हम नाम दे देते हैं m1 का, और जो बी की स्लोप है उसको हम नाम दे देते हैं m2 का, जो कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें इसके पॉइंट्स पता है। ये जो बी है ये दो पॉइंट से पास हो रही है, उसका एक पॉइंट है 5/1 और सेकंड पॉइंट है -5y, इनकी मदद से हम इजीली इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं कि इसकी m2 स्लोप कौन सी बनती है, क्योंकि दो पर लाइन पर पेंडिकुलर होने का रिलेशन बनता है m1 m2 = -1, जो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट रहता है वो -1 के इक्वल आता है। m1 गिवन है, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस रिलेशन की मदद से हम इजीली y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन बी फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ लाइन बी जो के m2 के इक्वल है, तो स्लोप के लिए फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। अगर मैं इसको नाम दे दूं x1 y1 का और इस पॉइंट को नाम दे दूं x2 y2 का, तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं क्या आती है, y2 = 1 - y1 = y। x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है -5, फ्री हो जाएगा +5। यहाँ से हमारे पास m2 आ गई है 1 - y/10, इसमें पुट करते हैं m1 की वैल्यू दी थी 5 और m2 की वैल्यू आई है हमारे पास 1 - y/10। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 10 2 हो गए 1 - y, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल हो जाएगा -2 के, यहाँ से हमारा आएगा -2 - 1, ये -1 से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो बनता है अल्फा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9 है, इसमें सिंपल हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और इसकी वैल्यू बताएंगे कौन सी आती है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/(x²-9), इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, x²-9 होता है 3 का स्क्वायर, तो जब इसको ओपन करेंगे ये फार्मूला बनता है x+3 × x-3, तो ये आ जाएगा x+3 × x-3। पार्शियल फ्रैक्शन में जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा a/(x+3) + b/(x-3), ए और बी अननोन है, इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x+3 × x-3 को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा a × x-3 + b ×
एक्स प्लस थ्री, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स पुट करेंगे माइनस थ्री, जब इसमें माइनस थ्री पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी सिक्स इक्वल टू ए माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री, ये जीरो के इक्वल आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी हमारे पास सिक्स ओवर माइनस सिक्स, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी माइनस वन। एक अननोन फाइंड हो गया है, सेकेंड अननोन फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक्स इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, एट एक्स इक्वल टू थ्री ये इक्वेशन बन जाएगी ए थ्री माइनस थ्री, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, प्लस बी थ्री प्लस थ्री, तो यहाँ से बी की वैल्यू आएगी सिक्स ओवर सिक्स जो कि वन के इक्वल आएगी, तो यहाँ से बी भी फाइंड हो गया। अब हमने सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट हमें दी है फाइव टू सिक्स, हमने ये इसकी इंटीग्रेशन करनी है। स्टूडेंट माइनस वन ओवर एक्स प्लस थ्री की इंटीग्रेशन होगी माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री, और वन ओवर एक्स माइनस थ्री की इंटीग्रेशन होगी लॉग एक्स माइनस थ्री, और लिमिट क्या है फाइव टू सिक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री, लिमिट गिवन है फाइव टू सिक्स। अगर लॉग में दो नंबर सबट्रैक्ट हो रहे हो तो इनको डिवीजन में लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, लॉग एक्स माइनस थ्री ओवर एक्स प्लस थ्री, लिमिट गिवन है फाइव टू सिक्स। लिमिट को पुट करके देख लेते हैं, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे ऊपर माइनस लोअर लिमिट तो ये इक्वल आएगा, पहले हम सिक्स पुट करेंगे तो ये आएगा सिक्स माइनस थ्री ओवर सिक्स प्लस थ्री माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट है फाइव, जब इसमें फाइव पुट करेंगे तो ये आएगा फाइव माइनस थ्री ओवर फाइव प्लस थ्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लॉग थ्री ओवर नाइन माइनस लॉग टू ओवर एट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा लॉग वन ओवर थ्री, थ्री को नाइन से कैंसिल करेंगे बनेगा वन ओवर थ्री, और यहां से टू को एट से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा वन बाय फोर। यहां मिड लॉग में दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसको डिवीजन में हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, लॉग न्यूमिनेटर में वन बाय थ्री और डिनोमिनेटर में आएगा वन बाय फोर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा वन बाय थ्री मल्टीप्लाई फोर बाय वन लॉग फोर बाय थ्री। तो स्टूडेंट जो करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 10 में हमें सिंपल एक फंक्शन दिया है साइन और उसका एंगल है स्क्वायर रूट एक्स, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन की जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस स्क्वायर रूट एक्स, देन हम स्क्वायर रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये इक्वल आएगा वन ओवर टू स्क्वायर रूट एक्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो है डेल्टा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 11 है, उसमें ये हमें फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू x माइनस टू के इक्वल होगी, मीन कि जब x x माइनस टू के इक्वल होगा। सिंपल इस फंक्शन में हम x की वैल्यू को x माइनस टू पुट करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। थ्री x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस टू का स्क्वेयर माइनस सेवन x माइनस टू माइनस फाइव, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस टू के स्क्वेयर को ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस फोर्टीन माइनस फाइव। थ्री को मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर एक ही है एक दफा है जिसको थ्री एक्स स्क्वायर एज इज लिख देंगे, एक्स की टर्म टू टाइम यूज हुई है ट्वेल्व और सेवन, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस नाइनटीन एक्स और कॉन्स्टेंट है ट्वेल्व प्लस फोर्टीन माइनस फाइव, तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होगा प्लस ट्वेंटी वन के। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 12 है, द लाइन ये लाइन गिवन है विद इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर एट,
ये पॉइंट बताना है, जो पॉइंट ऑप्शन में दिए हैं हमने बताने हैं कि किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ग्राफ की मदद से समझते हैं, ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट जो वाई इक्वल 4x स्क्वायर है, इसका ग्राफ कुछ यूं होता है, ये ऐसे ओरिजिन को टच करके जाता है दोनों तरफ, और जो लाइन है इसमें हमें देखना है कि ये x, इसका x इंटरसेक्ट क्या है और y इंटरसेक्ट क्या है, मींस ये x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्शन करेगी और y पे कहां पे करेगी। तो देख लेते हैं, एट x इंटरसेक्ट y इक्वल टू 0, जब y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 2, तो मीन हमें एक पॉइंट मिल गया है 2 0 उस लाइन का। एट y इंटरसेप्ट पे क्या होगा, x 0 होगा, जब हम इस लाइन की इक्वेशन में x 0 पुट करेंगे तो y आएगा -2। तो यहां से हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया इस लाइन का 0 -2। तो देख लेते हैं कि लाइन क्या है, पहला पॉइंट है 2 0, मीन x 2 है, अगर ये 1 है, यहां पे x 2 है और y है 0, एक पॉइंट ये मिल गया हमें। और सेकंड पॉइंट है 0 -2, मीन के नेगेटिव y एक्सिस, तो -2 यहां पे होगा -1 एंड -2, सेकंड पॉइंट बनता है ये वाला। और अगर इस लाइन को हम इन पॉइंट्स में से गुजारें तो ये लाइन कुछ यू बनेगी। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइन इस कर्व पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पे। तो जो ऑप्शन है इसमें से वो होगा नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 13 है, लेट y इक्वल टू a की पावर x, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर बनेगा a की पावर x log a। और सेकंड में 14 एमसीक्यू है, लेट y इक्वल टू x की पावर x, मीन x भी वेरिएबल है और उसकी जो पावर x है वो भी वेरिएबल है, तो इस केस में जो डिफरेंशिएट आएगा वो आएगा x की पावर x * 1 + log x। स्टूडेंट्स 15 एमसीक्यूज में हमने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, देख लेते हैं इसमें से इंटीग्रेशन करके करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। ये cos के x इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b के। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस sin x स्क्वायर, तो ये इक्वल आएगा 1 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x के। तो इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं, cos के x इक्वल आया हमारे पास 1 प्लस sin x इनटू 1 माइनस sin x, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस sin x। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं, 1 प्लस sin x इस 1 प्लस sin x से कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 की इंटीग्रेशन होगी x, और जो sin x की इंटीग्रेशन है वो होगी माइनस cos x, और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा x plus cos x plus c। तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स 16 एमसीक्यूज में हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसके थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इसमें 2 को कॉमन लेंगे तो ये इक्वल आएगी 4x plus y equal to -6। 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4x plus y equal to -3, और ये फर्स्ट वाली इक्वेशन भी हमारी 4x plus y equal to -3। तो सुन रहे हैं, दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक दूसरे सिमिलर हैं। इसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते थे, वो कैंसिल हो जाते थे और उसके अकॉर्डिंग हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो ये x और y के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से हमें कोई सॉल्यूशन हासिल नहीं होगा x और y का। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है 4d, नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट 17 एमसीक्यूज की स्टेटमेंट देखते हैं,
अ स्क्वायर हैज एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ साथ उसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। हमें एक स्क्वायर गिवन है, ये एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। लेट्स सपोज द साइड इक्वल है x के, इसका एरिया कितना है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर आगे वो कहता है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द स्क्वायर। इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक सर्कल जो कि इंस्क्राइब है इस स्क्वायर के अंदर। नेक्स्ट वो कहता है अ स्मॉलर स्क्वायर इज देन इनसाइड द सर्कल, मतलब कि इस सर्कल के अंदर भी एक स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है बड़े वाले स्क्वायर से। ये इसके अंदर एक नया स्क्वायर आ गया जिसकी चारों साइड क्या होंगी, ये भी ए, चारों साइड इक्वल होंगी। वो कहता है कि द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने ये जो साइड है ये फाइंड करना है, मीन कि हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यही साइड बनती है इस स्मॉलर स्क्वायर की। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए कि ये लेंथ कितनी है बड़े वाले स्क्वायर की। उसके लिए एरिया का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मीन के दो साइड्स हैं इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आ जाता है। तो यहां से एक्स इक्वल आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, मीन के जो लेंथ है ये एक्स है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस बनता है इधर से लेके इतना डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। और अगर हम ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से ड्रा करें तो ये बन जाएगा इस सर्कल का डायमीटर, मीन के जो डायमीटर है इस सर्कल का वो भी आएगा 20 सेंटीमीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमने इस साइड को फाइंड करना है क्योंकि चारों साइड इक्वल है, अगर हमने एक साइड फाइंड कर ली तो मतलब वो चारों साइड वही होंगी। अगर हम इस लाइन को कुछ इस तरह ड्रा कर लें तो यहां से ये क्या बनता है इस सर्कल का डायमीटर, इसकी लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ बनेगी 20 सेंटीमीटर के इक्वल क्योंकि हमारा डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। हमने एक साइड फाइंड करनी है लेकिन हमें पता है कि ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी क्योंकि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। और ये एंगल बनता है यहां पे 90 का। इसको सॉल्व करते हैं और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें सॉल्व करके। इस ट्राइंगल को हम जब बाहर ड्रा करेंगे तो ये ट्राइंगल कुछ यूं बनेगी जिसकी ये वाली साइड भी ए के इक्वल है, ये भी साइड ए के इक्वल है और ये जो एंगल है ये 90 है और हमें ये वाली साइड गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमने इस ए को फाइंड करना है जो कि इस स्मॉलर स्क्वायर की साइड की लेंथ मतलब इस लेंथ की इक्वल है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 इक्वल टू 2a स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर आएगा हमारा 200, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास a इक्वल आएगा 200 इक्वल होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 जो कि इक्वल होगा 10 स्क्वायर रूट 2। तो यहां से हमारे पास जो स्मॉलर स्क्वायर की साइड आएगी वो इक्वल होगी 10 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इसमें बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स 18 एमसीक्यूज है, इफ द एवरेज ऑफ नंबर एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू इज 30, एवरेज क्या होगी, चार नंबर्स हैं अगर इन चारों नंबर्स को ऐड करेंगे हम और 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये एवरेज किसके इक्वल आती है 30 के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 120। और सेकंड में क्या बोल रहा है, एंड द एवरेज ऑफ एक्स वाई जी इज 30, तीन नंबर है एक्स प्लस वाई प्लस जी, अगर इनको हम 3 पे डिवाइड करें तो इसकी एवरेज आती है 32।
इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस y प्लस z इक्वल टू, तो 32 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 96। उन्होंने बोला है देन w इज इक्वल टू, हमें इस w की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल आएगी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये x y और z कैंसिल हो जाएंगे और यहां से हमारी w की वैल्यू आएगी 24। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा। स्टूडेंट्स 19 एमसीक्यूज है, इफ x इज रियल नंबर एंड h ऑफ x एक फंक्शन गिवन है हमें, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वी कैन फाइंड द रेंज ऑफ hx, मीन कि हम इसका इस फंक्शन का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे देन हम बता सकेंगे कि इस फंक्शन की रेंज कौन सी बनती है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्टूडेंट्स ये कुछ इस टाइप का इसे बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा a माइनस b स्क्वायर के। इसको हम कुछ इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन आएगा h ऑफ x इक्वल टू, इसमें a क्या है x का स्क्वायर माइनस 2 इस फार्मूले से आ जाएगा, और a की वैल्यू क्या है x और b होगा 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 4x बनेगा, प्लस इसी b को हम इसमें इसका स्क्वायर लेंगे देन इसी को माइनस करेंगे फंक्शन में से ताकि वो इस फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट ना करे, ये इक्वल आ जाएगा प्लस 9। तो जो यहां से देखिए यहां तक वैल्यू है ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर इक्वल आएगी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 के। तो अब हम इस फंक्शन की मदद से इजीली बता सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। स्टूडेंट उससे पहले हम थोड़ी डोमेन पे बात कर लेते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। डोमेन होगी कि ये फंक्शन x की किस किस वैल्यू पे डिफाइन है। अगर हम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन रहेगा, किसी एक पॉइंट पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी इसकी डोमेन होगी। लेकिन स्टूडेंट इसकी रेंज क्या होगी, जब हम इसमें माइनस नंबर पुट करेंगे तो ये जो स्केयर है वो उसे पॉजिटिव बना देगा, तो हमारा रेंज में जो आंसर आएगा वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा बल्कि एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो जो इसकी रेंज होगी वो प्लस इनफिनिटी तक जाएगी, लेकिन हम देखेंगे कि वो मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो इसका आंसर आएगा एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद। स्टूडेंट इसका मिनिमम आंसर तब आएगा जब ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर जीरो कब होगा, जब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वो होगा 5। हमें मिनिमम आंसर मिलेगा इस फंक्शन से। तो हमने क्या बोला था कि रेंज होती है जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक नई वैल्यू मिलती है। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 5 और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते रहेंगे डिफरेंट वैल्यू पुट करने के बाद x की। तो इसकी रेंज बनती है 5 टू प्लस इनफिनिटी, चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स 20 एमसीक्यूज में हमें एक इनइक्वालिटी गिवन है, हमने फाइंड करना है x का इंटरवल, मीन कि इस इनइक्वालिटी को हम x के लिए सॉल्व करेंगे कि x का इंटरवल क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो दोनों तरफ माइनस होगा, ये बनेगा 43 माइनस 3 लेस देन 8x प्लस 3, इसमें से माइनस की हो जाएगा तो ये 0 के इक्वल आएगा लेस देन इक्वल टू 99 माइनस 3, ये इक्वल आएगा 40 लेस देन 8x और यहाँ से आएगा 96। देन हमें यहाँ पे x का इंटरवल बताना है तो हम 8 पे डिवाइड कर देंगे इनको, सिंपलीफाई कर दिया जाएगा 8 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 और ये इक्वल आएगा 12 के। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंटरवल बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 21 की स्टेटमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ये कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लिया, ये आ गया ओरिजिन और कोई ये लाइन है, हमने इस ओरिजिन से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा ये वाली लेंथ, ये लेंथ नहीं होगी, ऐसी कोई लेंथ नहीं होगी क्योंकि ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं है, हमने बेसिकली इस डिस्टेंस को फाइंड करना है इसमें। तो इसके लिए डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला है,
क्योंकि ये एक पॉइंट है और ये एक लाइन है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो फॉर्मूला है वो है पॉइंट टू लाइन, वो फॉर्मूला इक्वल होगा d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख लेते हैं कि इसमें ए बी एक्स वन और वाई वन एंड सी की वैल्यू क्या है। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये इक्वल आएगी 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से a आ गया 2 और b आ गया कोफिशिएंट ऑफ y, तो वो आया है 1, और x1 और y1 मीन के वो जो हमें पॉइंट दिया वो ओरिजिन है, तो x1 y1 होगा 0 0। इन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, a है 2, x1 है 0 प्लस b की वैल्यू है 1 और y1 है 0, c ये कांस्टेंट है जो कि माइनस 2 के इक्वल है ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 0 माइनस 2 ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 स्क्वायर रूट 5, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास माइनस टू ओवर स्क्वायर रूट 5, ये मोड है तो मोड से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 22 है, वन पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एन अदर पॉजिटिव नंबर, the difference between the two numbers is 36, then numbers are, हमने वो दो numbers find कर दिए हैं, let first number is x and second number is y, हमने इन दोनों numbers को find करना है कि इनकी value क्या बनती है। पहली condition है one positive number is 5 times on an other positive number, mean के एक पॉजिटिव नंबर दूसरे नंबर पॉजिटिव नंबर से 5 टाइम्स बड़ा है, तो इक्वालिटी में हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसमें हमने x को 5 टाइम्स ग्रेटर ले लिया है y से, तो इक्वालिटी में हम 5 को y x को y के इक्वल करने के लिए y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन सेकंड कंडीशन है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 36, मीन के जो x माइनस y दो नंबर है इनका डिफरेंस बनता है 36, और हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, तो यहां से x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगी 5y minus y equal to 36, यहां से y की वैल्यू आएगी 4y equal to 36 और y आएगा 9, और यहां से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो x equal आएगा 45 के, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है 45 एंड 9, चार ही ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 23 में हमें इस दो पॉइंट गिवन है, इनका हमने मिड पॉइंट बताना है, तो अगर ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये x1 y1 है और ये पॉइंट है x2 y2, तो इसका ये मिड पॉइंट का फार्मूला होगा x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2, इस फार्मूले की मदद से हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास पॉइंट है, इसमें x1 है माइनस 13 और y1 है 20, इस तरह x2 है 1 और y2 है 26, ये वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करके मिड पॉइंट फार्मूले में पुट करके वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। x1 plus x2 मतलब माइनस 13 प्लस 1 ओवर 2 और y1 क्या है 22 प्लस y2 है 26 ओवर 2, इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 13 प्लस 1 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6, और यहां से जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये आएगा 48 ओवर 2, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 24, मीन के मिड पॉइंट आया है 6 24, तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट यहां पे आएगा माइनस।
तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है डेल्टा। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 24 में हमें फ्रैक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है, कौन सी आएगी। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 3 की पावर माइनस 2 नीचे आके हो जाएगी 3 स्क्वायर, और 4 की पावर माइनस 4 ऊपर न्यूमिनेटर में जाके हो जाएगी 4 की पावर 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 256 ओवर 3 का स्क्वायर होता है इक्वल 9 के। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है बीटा। स्टूडेंट्स 25th एमसीक्यूज में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पहले माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 7 माइनस एटा, देन माइनस 3 एटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा प्लस 21 एटा माइनस 3 एटा स्क्वायर। एटा स्क्वायर इक्वल होता है माइनस 1 के, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस। अब हम रियल में रियल को ऐड करेंगे और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 प्लस 20 एटा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 डी। स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 26 में हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है, इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, इसके लिए हम डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी नंबर है इसका जब हम लेंगे कैलकुलेट तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा रियल नंबर, उसकी वजह से हम इजीली रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, 10 माइनस 4 एटा ओवर 2 एटा, जब हम इस 2 एटा का कैलकुलेट लेंगे तो ये आएगा माइनस 2 एटा। इस फ्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए हम ऊपर भी लगाएंगे माइनस 2 एटा। अब इनको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा माइनस 20 एटा, माइनस माइनस प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है तो ये आ जाएगा माइनस 8। और डिनोमिनेटर में जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा माइनस 4 एटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 के इक्वल है तो ये आ जाएगा प्लस 4। 4 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं ये बनेगा माइनस 8 बाई 4 माइनस 20 एटा ओवर 4। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा माइनस 2 माइनस 5 एटा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से बनता है बीटा। स्टूडेंट 27 एमसीक्यू है, टू एंगल्स एक्स एंड वाई मेजर्ड इन डिग्री, ये मैंने रिलेशन दिया है कि साइन में अगर ये दोनों एंगल्स को ऐड करें तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो 1 के इक्वल होगा, और जब इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो वो साइन के फंक्शन के ऊपर जब अप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा 1/2। देन हमें बताना है कि एक्स और वाई का आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री पे आंसर देता है 1 और साइन 30 होता है 1/2। अब हमें इनमें से देखना है कि कौन सी ऐसे दो एंगल्स हैं इनको ऐड करें तो 90 बने और सब्ट्रैक्ट करें तो 30 बने। तो स्टूडेंट्स वो हो गए 60 और 30, क्योंकि जब हम x की वैल्यू लेंगे 60 और y की वैल्यू लेंगे 30 तो ये बनेगा साइन 90, और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन 90 माइनस 30 को तो ये बनेगा साइन 60। तो इनका आंसर आएगा 1 और 1/2। करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है डेल्टा। स्टूडेंट्स 28th एमसीक्यू में हमें फाइंड करना है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ये हमें इनफाइनाइट सीरीज सीक्वेंस दी है इसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम के लिए क्या होगी, 1 प्लस 1 ओवर 3 की पावर 1, 1 ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 ओवर 3 क्यूब। हमने इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है तो इसको जनरली लिखेंगे, ये होगी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 ओवर 3 की पावर n। तो स्टूडेंट्स हमने बेसिकली इनफाइनाइट टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है। यहाँ पे r क्या है 1/3 जो के 1 से लेस है, तो इसके लिए सम का फार्मूला होगा sn इक्वल टू a1 इनटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो a1 मीन के इसकी फर्स्ट टर्म है 1, इसमें हम 1 पुट कर देंगे, 1 माइनस r की वैल्यू है 1/3 की पावर n ओवर 1 माइनस 1/3। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 ओवर 3 की पावर n है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी
जीरो के, क्योंकि वन ओवर थ्री एक जीरो पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, और जब हम उसकी इनफाइनाइट पावर लेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहां से हमारा आंसर आएगा वन इंटू वन माइनस जीरो, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये इक्वल आएगा थ्री माइनस वन। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये बनेगा थ्री बाय टू, तो इसका जो सम बनता है वो है थ्री बाय टू, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स ये 28 तक एमसीक्यूज थे, दो एमसीक्यूज मुझे इस पेपर में से नहीं मिले, इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। और अगर आपको इनमें किसी भी डिफिकल्टी का सामना हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो जरूर पूछें, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इन वीडियोज़ को, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।